गति अगर करना है तो ऐसी संगत करो जो जीवन में तुम्हारा कल्याण कर दे। ऐसी संगत मत करो को ना कुसंगत पाए नसाई और रहई ना नीच मते चतुराई। कुसंगत पा गई आज के कई मंथरा की और मती घूम गई। दो वचन को याद करवा दिया, वो दो वचन तुम्हें मांगना है, तुम्हारी थाती रखी है। लेकिन एक बात बताऊं, वचन मांगने के पहले एक काम जरूर करना। बोले क्या करना है? बोले राम की सौगंध दशरथ से करवा लेना कि राम की सौगंध है, तब वचन मांगना। नहीं तो दशरथ जी मुंह के मीठे हैं, मियां मिट्ठू हैं, वो कुछ भी कर देंगे कि मन मलिन मोह मीठने पर राउर सरल स्वभाव। हाँ, तुम्हें तो सरलता दिखाते हैं, मन उनका बड़ा मलिन है, गंदा है। इस प्रकार से जब समझाया, सोई माता की समझ में आ गया कैकेयी की। और कोप भवन सुने, आहा, कोप भवन के दरवाजा खोल लिए और कोप भवन में माता कैकेयी चली गई। इधर दशरथ जी कौशल्या के पास गए, बोले सुनो तैयारियां शुरू करो, आज राम का राज्याभिषेक है। सुमित्रा को कहा कि तुम अपनी तैयारी शुरू करो, मैं कैकेयी को बता कर के आता हूं। जैसे ही कैकेयी के यहां गए तो कैकेयी नहीं मिली। मंथरा मिली, मंथरा से पूछा कैकेयी कहाँ है? बोले महाराज कोप भवन सुन सकचेउ राऊ। हाँ, इस अवसर पर कोप भवन में, कोप भवन में क्यों चली गई? और जैसा ही दशरथ जी महाराज ने कोप भवन का दरवाजा खोला, सो सब अस्त व्यस्त पड़ा था, पूरा सामान इधर का उधर डला था, आधी धोती पहने आधी पहने ही नहीं, आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। दशरथ जी को गुस्सा आ गई जाते ही से, मेरी रानी को किसने क्या कह दिया जिससे जो रो रही है कोप भवन में है इतने सुंदर अवसर पर? तो दशरथ जी क्रोधित हो गए कि अनहित तोरे प्रिया को कीना, अनहित तोर प्रिया को कीना, केही दोसर केही जमो चाहे चीना, केही दोसर केही जमो चाहे चीना, कहूं केही रंग कही करो नरेशु, कहूं केही रंग कही करो नरेशु, कहो के ही ने पाही ने कासू देसु, कहो के ही ने पाही ने कासू देसु, कहो के ही ने पाही ने कासू देसु। अरे प्रिया कैकेयी, तुम्हारा अनहित किसने कर दिया? कौन अम्बपुर को जाना चाहता है? कौन अपने सिर पर छाया नहीं रखना चाहता है? बताओ कौन देश के राजा ने अपमान किया है? मैं उस देश के राजा को उस देश में काला कर देता हूं। कैकेयी बोली महाराज ये सब कुछ नहीं है। तो बोले क्या है फिर? बोले महाराज हमें वरदान चाहिए आपसे। दशरथ जी खुश हो गए कि वरदान चाहिए, तुरंत अभी देता हूं, जो कुछ मांगना हो मांग लो। मांग मांग पे कहई पिए कबहू न देहू न लेव, और देन कहू वरदान दोई तेई पावत संदेह। अगर देना चाहते हो तो दो वरदान दो, एक नहीं चाहिए। तो दशरथ जी बोले दो नहीं, तुम 20 वरदान मांग लो।
अब देने तैयार हूं मैं। बोले नहीं, दो 20 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान, वो भी अपनी उधारी वाले, लेकिन राम की सौगंध खाओ पहले कि मैं राम की सौगंध खाता हूं दूंगा। दशरथ जी ने तुरंत राम की सौगंध खाई, मैं राम की सौगंध खाता हूं दूंगा दूंगा दूंगा, 3 बार बोल दिया। और जैसा ही कहा सो बोले अब मंगाओ, क्या मांगना चाहती हो? बोले आप दोगे तो सही बताओ। अरे दशरथ जी बोले तुम्हें भरोसा नहीं है? रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत सदा से चली आई है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बोले हमारे प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, ये वचन पूरा जरूर करेंगे। मैया केकई दशरथ जी से वरदान मांगती हैं कि सुनहुं प्राण प्रिय भाव तुझी का, सुनहुं प्राण प्रिय भावत जी का, देहुं एक बर भर तहि टीका, देहुं एक बर भर तहि टीका, मांगहुं दूसर बर कर जोरी, मांगहुं दूसर बर कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस बेसो विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। और हमारे बीच में क्षेत्रीय जनप्रिय विधायक नीरज सिंह जी भैया, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आप सबको प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कथा के वक्ता से ज्यादा श्रोता के ऊपर भगवान की कृपा रहती, इसलिए उन्होंने कितनी समझ की बात की कि सबको प्रणाम किया। जोर जोर पानी, एक बार भैया के लिए तालियां बजाएं। आप लोगों के कारण ही भैया जीत करके और इधर आए, और आज त्रिशूल वेद धाम आकर के भैया ने भगवान का दर्शन किया और श्री राम कथा में भैया सम्मिलित हुए। अत्यंत हर्ष का विषय है।